नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे राजा भर्तृहरि जी का और जानेंगे उनके बारे में और उनका राज्य क्षेत्र कहाँ था उसके बारे में भी जानेंगे और गजेटियर में उनके लिए क्या सिफारिश की गई है जो बहुत ही रोचक होने वाला है इसे जानेंगे, क्योंकि गजेटियर ये कोई आम चीज़ तो है नहीं, यह तो शासन प्रशासन की चीज़ है और उसमें क्या सिफारिश की गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और सभी व्यूअर्स से, सभी हमारे प्यारे भाइयों से निवेदन करते हैं कि अपने प्राचीन इतिहास भर राजभर समाज के प्राचीन इतिहास को संरक्षित किए जाने में अपना अमूल्य योगदान देते रहें, प्लीज प्लीज प्लीज। और ये डिस्क्लेमर है दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले मैं महाराज छत्रपति संभाजी महाराज को कोटि कोटि नमन करना चाहूँगा, महारानी अहिल्याबाई होलकर जी को कोटि कोटि नमन करना चाहूँगा, और आप लोग इन लोगों का इतिहास, इन महान विभूतियों का इतिहास जरूर जानें और इनके संघर्षों के बारे में जानें, क्योंकि यह राजभर समाज के शासकों से मिलता जुलता है। और महाराजा सुहेलदेव जी को कोटि कोटि नमन करना चाहेंगे। और आगे बढ़ते हैं, साहित्य के लेखकों के अनुसार राजा भर्तृहरि का राज्य क्षेत्र कहाँ हो सकता है, यह पहला क्वेश्चन है। और उनके मुताबिक भर्तृहरि का राज्य क्षेत्र कहाँ हो सकता है, इसका आंसर यह है कि जितने भी आप लोग पढ़ते हैं, ये साहित्य है, जो किताब है, वो किताबों को क्या कहा जाता है, साहित्य। और साहित्य किसके लिए होता है, मनोरंजन के लिए होता है। तो उस साहित्य के अनुसार भर्तृहरि जी का राज्य क्षेत्र या तो छत्तीसगढ़ में हो सकता है या तो मध्य प्रदेश में हो सकता है। आप पढ़ लीजिए या गूगल करके देखेंगे तो भी आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा। तो भर्तृहरि के बारे में, राजा भर्तृहरि जी के बारे में दो लोक कथाएं फेमस है। एक लोक कथा है जिसमें उनकी वाइफ को बताया जाता है कि उन्होंने धोखा दिया, और एक लोक कथा में बताया जाता है कि उनकी वाइफ इतनी अच्छी थी कि उनके लिए उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। एकदम शॉर्ट में बताऊंगा, गूगल पर सब अवेलेबल है, तो आपको मैं एकदम शॉर्ट में कहानी दोनों बताता हूँ। पहले में क्या होता है कि भर्तृहरि जी उनको फल देते हैं, वो फल उनकी वाइफ किसी और को देते हैं, वह किसी और को, वह फिर वापस भर्तृहरि जी को आता है, जिससे उनको लगता है कि ये तो मेरे साथ दगा कर रही है, और वो राजपाट त्याग के और जो है साधु बन जाते हैं। और दूसरे कहानी में क्या है, दूसरे कहानी में है कि वो उनसे पूछते हैं कि आप मुझसे कितना प्रेम करती हो, तो वो कहते हैं बहुत, अगर पता चले कि आप नहीं हो तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी। वो ऐसे ही अफवाह फैला देते हैं, शिकार करने जाते हैं, और बाद में वो अफवाह फैला देते कि नहीं, उनको जो उनकी अकस्मात डेथ हो गया या स्वर्गवास हो गए, जिसका जो संदेश सुनकर रानी जी जो है काफ़ी व्यथित हो जाती हैं और अपने प्राण त्याग देती है। दो अलग अलग कहानियाँ हैं, लेकिन दोनों में फिर वो जो है राजपाट त्याग देते हैं और साधु बन जाते हैं या जोगी बन जाते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें दो कथाएं लोकप्रिय हैं राजा भर्तृहरि के बारे में, आप गूगल करके भी जान सकते हैं। लेकिन इसमें जो सामने आपके स्क्रीन पर, इस ये दिखाने का मेरा मकसद यह है कि यहाँ पे बताया जाता है कि राजा भर्तृहरि जो थे वह नागपंथी योगियों के संप्रदाय में, जब वो अपना राजपाट छोड़ते हैं तो नागपंथी योगियों के संप्रदाय में जाते हैं, जो कहीं ना कहीं इस बात को साबित करता है कि वह शैव थे और उनका झुकाव शैव की तरफ था। जिस प्रकार से राजभर राजा शैव थे और उनका झुकाव शैव पंथ की तरफ था, उसी प्रकार से ये राजा भी थे। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो साहित्य है, साहित्य में क्या क्या कहा गया है। तो साहित्य में देखिए, साहित्य कोई एविडेंस तो होता नहीं है, मनोरंजन के लिए होता है, आप भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकता है। तो ये जो साहित्य में है, इसमें बताया जाता है कि भर क्षत्रिय हैं, एक लाइन में दिखाया गया है, आप देख सकते हैं, यहाँ बताया जाता है भर क्षत्रिय हैं, और यहाँ बताया जाता है कि भर जो थे, राजा जो थे, वह जो है भर थे, और ये जो राजा थे, ये राजा के छोटे भाई विक्रमादित्य थे, ये बार बार बताया जाता है कि भर्तृहरि राजा जी के छोटे भाई विक्रमादित्य थे, और इस हिसाब से विक्रमादित्य भी भर राजा हो गए। और इस साहित्य में उनको बताया क्या गया है, भर बताया गया है। अब साहित्य में तो आप लोगों ने देख लिया, एक्चुअल में देखेंगे तो गूगल पे कुछ अवेलेबल है, जैसे उज्जैन के अंदर एक गुफा अवेलेबल है जहाँ बताया जाता है कि भर्तृहरि जी ने यहाँ पर तपस्या की थी, और उस गुफा को हम और करीब से देखेंगे तो ये गुफा है बताया जाता है। आगे आपको बताएंगे कि गजेटियर में क्या लिखा है, और ये देखिए वो मंदिर है, और ये अंदर का मंदिर है। अब गजेटियर में क्या कहा जाता है वो हम देखेंगे। तो दोस्तों गजेटियर में ये देखिए, ये अवध गजेटियर है आपके स्क्रीन पर, यह अवध गजेटियर है, और इसमें क्या कहा गया है उसे हम पढ़ेंगे। आपको जाना होगा बांकी
परगना में, रांकी परगना में, अतेहा तहसील प्रतापगढ़। तो यहाँ के बारे में गजेटियर में क्या लिखा गया है, तो यहाँ लिखा गया है अकाउंट ऑफ द लार्ज एंड एक्सटेंसिव रूइंस हियर विच कंसिस्ट अ ब्रिक फोर्ट एट द नॉर्थ। बताया जा रहा है कि यहाँ काफ़ी सारे रूइंस यानी खंडहर हैं, बड़े बड़े खंडहर हैं, और ब्रिक फोर्ट है यानी ईंटों के क्या हैं, ईंटों के किले यहाँ पर है। कहाँ है, तो ये रांकी में है, रांकी में परगना अतेहा में, तहसील जो है रांकी परगना है, अतेहा तहसील है और ज़िला प्रतापगढ़ है यहाँ पर है। और उसके आगे क्या बताया जा रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताया जा रहा है जिससे सुनकर हमें भी बहुत अच्छा लगा। बताया जा रहा है कि जो ये अंडरलाइन किया है आप लोग पढ़ लीजिए, एट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ इंडो बैक्ट्रीनियन कॉइन्स हैव बीन डग आउट ऑफ इट्स रूइन। यानी कि डग माने खोद कर निकालना, लार्ज क्वांटिटी मतलब बहुत सारा, इंडो बैक्ट्रीनियन कॉइन्स माने एक बैक्ट्रीनियन देश है जो अफगानिस्तान के पास एक हिंदू कुश पहाड़ पर्वत है उसके पीछे ये देश पड़ता है, तो उस देश का और भारत देश का मिक्स कॉइन मिला है इस जगह से, भारत देश और बैक्टीरिया देश का चिन्हों वाला, माने भारत में जो चिन्ह वाले सिक्के चलते थे, जो बैक्टीरियन में चिन्हों वाले सिक्के चलते थे, दोनों का मिक्स इन खंडरों में मिला है। और उसके आगे क्या लिखा है, लोकली इट इज एक्सक्राइब टू द भोज एज इज एवरी अदर रूइन इन द पार्ट ऑफ वर्ल्ड। बताया जा रहा है कि लोकली ये बताया जाता है कि यह भरोका है, यह भरोका किला है, यहाँ का जो भी खंडर है भरोका है। इसके अलावा इसके अगल बगल की जितनी दुनिया है, मतलब पूरी दुनिया नहीं बता रहा, इस खंडहर के अगल बगल का जितना पार्ट है यानी जितना दुनिया है वो सारा भरोसे जुड़ा हुआ है। एंड द ट्रेडिशन रिकॉर्डेड बाय मिस्टर बेनेट सेज दैट रांकी वाज द सीट ऑफ राजा भर्तरी। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ बता रहा है कि ये जो जगह है, जो रांकी जगह है, बहुत प्राचीन जगह है, यहाँ पर सैकड़ों हजारों वर्षों तक भरो का राज रहा है। और उसके अलावा गजेटियर में बताया जा रहा है कि यह राजा भर्तरी का स्थान था या किला था या क्षेत्र था या इनका राज था, जो कि एल्डर ब्रदर ऑफ ग्रेट विक्रमादित्य। बता रहे हैं कि भर्तरी कौन थे, तो बड़े भाई थे विक्रमादित्य के लिए, सम्राट विक्रमादित्य जो उज्जैन के राजा थे, जो एक समय सम्राट थे भारत के। द प्लेस हैज़, अब देखिए यहाँ ये जो सजेशन दे रहे हैं या जो एडवाइस दे रहे हैं, जो ये सिफारिश कर रहे हैं, कौन सिफारिश कर रहा है, गजेटियर कर रहा है, द प्लेस हैज़ नेवर बीन साइंटिफिकली एक्सप्लोर्ड। कह रहे हैं कि ये जगह जो है वो वैज्ञानिक रूप से आज तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है, यानी खोजा नहीं किया है या शोध नहीं किया गया है, बट इट ऑफर्स अ वेरी प्रोमाइसिंग फील्ड ऑफ आर्कोलॉजिस्ट। बट इट, लेकिन ये ऑफर्स करता है माने ये बुलाता है, ये दिखाता है वेरी प्रोमिसिंग, प्रोमिसिंग माने बहुत ही महत्वपूर्ण, प्रोमिसिंग का मतलब होता है बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही एक तरह से बहुत ही उन्नत वाला या बहुत ही खोज, बहुत ही जिसका भविष्य काफ़ी उज्ज्वल हो, यानी कि वहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें खुदाई में मिल सकती हैं। फील्ड ऑफ द आर्कोलॉजिस्ट माने ये जो भी पुरातत्वविद होगा उनके लिए यह क्षेत्र बहुत ही प्रोमिसिंग होगा, ये ऑफर करता है कि यह क्षेत्र पुरातत्व के लिए बहुत ही उन्नत जगह है, बहुत ही सही जगह है, यानी कि जो आर्कोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं और जो डिपार्टमेंट है उनके लिए यह जगह बहुत ही प्रॉमिसिंग जगह है। और यहाँ पे की खुदाई जरूर होना चाहिए, वो भी साइंटिफिकली होना चाहिए, क्योंकि यहाँ इंडो बैक्टेरियन कॉइन्स मिला है और यहाँ पे भरो का सैकड़ों हजारों वर्ष तक राज रहा है और यहाँ पे भर्तरी नाम के राजा राज करते थे जो विक्रमादित्य के क्या थे, बड़े भाई थे। कौन कहता है, ये गजेटियर कहता है, ये कौन कहता है, ये कहता है गजेटियर, ये कोई हम नहीं कहते, ये कोई आम आदमी नहीं कहता, ये गजेटियर कह रहा है। और साथ में ये रेकमेंड कर रहा है, सिफारिश कर रहा है कि यहाँ की खोज जरूर होना चाहिए, साइंटिफिकली होना चाहिए, क्योंकि यह इतिहास बहुत ही प्राचीन इतिहास यहाँ पर मिल सकता है और आर्कियोलॉजी के दृष्टिकोण से, पुरातत्व के दृष्टिकोण से यहाँ खोज जरूर होना चाहिए, जो कि अब तक नहीं हुआ है। अब बैक्टीरिया आपको दिखाते, देखिए हिंदू कुश है, ये हिंदू कुश पर्वत है अफगानिस्तान में, इसके पीछे बैक्टीरिया है, और ये जो पीला एरो देख रहे हैं ये भारत यहाँ से है, तो पहले तो अफगानिस्तान भी भारत का पार्ट था और ये कॉइन्स वहाँ मिले हुए हैं, बैक्टीरिया और हिंदू दोनों, यानी कि जो इंडियन उसमें चित्र वगैरह थे, जो आकृतियाँ थी वो भी इसमें हैं और बैक्टीरिया देश की भी आकृतियाँ इसमें हैं। तथा अवध गजेटियर के अनुसार राजा भर्तरी का राज्य प्रतापगढ़ में ही था और वह स्थान या राज्य क्षेत्र कई सौ वर्षों तक
भर शासकों का था, अर्थात राजा भर्तृहरि भी भर ही होंगे। उस स्थान से निकले बैक्टीरिया देश के सिक्के बहुत मात्रा में निकले हैं। उस स्थान का वैज्ञानिक शोध अभी तक नहीं हुआ है। पुरातत्व को इसकी संज्ञान जरूर लेनी चाहिए। तो गजेटियर या पुरातत्वविद के संकेतों से यह जाहिर होता है कि जो ये राजा थे वह भर्तृहरि राजा भर समुदाय के ही शासक हो सकते हैं या हैं, और उनके जो छोटे भाई थे वो थे सम्राट विक्रमादित्य जो उज्जैन के राजा थे। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, और ये आपको कैसी लगी जरूर मुझे बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड करें। थैंक यू।